खानपुर नामक एक सुंदर गांव में विवेक और वनजा नामक पति पत्नी रहते थे। विवेक उसके दोस्त गौतम के साथ नूडल्स बना के उन्हें बेचता था। एक दिन दोनों मिलके नूडल्स बना के बेच रहे थे। एग नूडल्स, चिकन नूडल्स, वेज नूडल्स, आइए आइए, ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण वहाँ से जाते हुए लोग सारे उस नूडल्स की सुगंध की ओर आकर्षित होकर उसके पास जाकर नूडल्स खरीद के खाते थे। विवेक, तुम नूडल्स बहुत अच्छा बनाते हो, बार बार आने का मन करता है नूडल्स के लिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप, आपकी तरह इस गांव में तो और कोई नूडल्स ही नहीं बना सकता। ऐसे उसकी तारीफ करते हुए सभी उस गांव में उसके पास जाकर नूडल्स खाते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन दोनों दोस्त बहुत कमाते हैं और उन पैसों को खुशी से दोनों आधे में बांट के घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अगर ऐसे ही आगे भी चलेगा तो मैं और मेरी पत्नी खुशी से जी पाएंगे। घर जाने के बाद भी सोए बिना विवेक नूडल्स बेच के आए हुए पैसों के बारे में सोचते रहता है। उसे ऐसे सोए बिना सोच में पड़े रहना उसकी बीवी देखती है। क्या हुआ जी, आप आज नूडल्स जल्दी बेचकर घर आए और बहुत खुश भी दिख रहे हैं, और अब भी कुछ सोच में पड़ गए? कुछ नहीं वनजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं वो जरूर दूंगा। ऐसे वो उसकी बीवी को उस दिन जो कुछ भी हुआ बताता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों को उसे दिखाता है। मैं इनसे क्या पूछूं अभी, इस सोच में पड़ जाती है। वनजा, पूछे बिना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, हर रोज नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में से मुझे 100 रुपए दीजिए। बस इतना ही? ठीक है वनजा, तुम्हारे इच्छा के मुताबिक ही दूंगा। और ऐसे वो उसके हर रोज की कमाई से उसे 100 रुपए देता था। ऐसे ही 100 रुपए देते देते बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन नूडल्स बनाते हुए दोनों दोस्त बात करने लगते हैं। अरे यार विवेक, हम सालों से इसी गांव में नूडल्स बना के बेच रहे हैं, इसीलिए ना हम बदले ना ही हमारी जिंदगी। अगर हम शहर जाकर यही काम करेंगे तो और पैसे कमा पाएंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें शहर जाकर दुकान लगाना होगा, है ना? नहीं गौतम, गांव को छोड़कर मुझे शहर जाना पसंद नहीं है, यही हमेशा की तरह नूडल्स बनाकर बेचेंगे ना हम। अगर मुझे अकेले भी जाना है तो मेरे पास कोई बचत के पैसे नहीं है, इसके साथ जाऊंगा तो निवेश के पैसे आधे में बांटकर हम दुकान लगा सकते हैं। बस यही एक चारा है मेरे पास, मुझे कुछ भी करके इसे मनाना ही होगा, वरना जिंदगी भर इसी गांव में रह जाएंगे। विवेक यार, हम बहुत साल से इसी गांव में रह रहे हैं ना, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शहर जाकर एक बार कोशिश करना होगा? अगर लाभ नहीं हुआ तो हम वापस गांव आ जाएंगे, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि शहर में नूडल्स का दुकान लगाएंगे, ठीक है? मंजूर है? ठीक है, अगर तुम इतना चाहते हो तो जाएंगे। ठीक है, हम कल ही निकलेंगे। ठीक है गौतम। और उस दिन दोनों नूडल्स बेचकर उनके घर वापस चले जाते हैं। अब जो मेरे दोस्त ने कहा कि हमें शहर जाना ही है तो उसके लिए जरूरी पैसे भी तो लेना होगा, और मेरी बीवी को भी ये बात बताना होगा। ऐसे विवेक उसके घर जाने के बाद सोए बिना उसके दोस्त की बातों के बारे में सोचते रहता है। अरे क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? वनजा, कल मैं और गौतम शहर जा रहे हैं, वही नूडल्स का व्यापार शुरू करके उसे चलाएंगे। आपको शहर जाने की क्या जरूरत है जी, यहाँ सब ठीक ही तो चल रहा है। तब विवेक उसे गौतम की बातों के बारे में कहता है। आपके दोस्त के साथ आपका शहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वनजा, पहले देखते हैं अगर शहर में दुकान लगाने से लाभ आएगा कि नहीं, अगर वहाँ ठीक से नहीं चला तो हम यही वापस आ जाएंगे ना। ये कह के सो जाता है। उसकी बीवी के मना करने के बावजूद वो अगली सुबह पैसे लेकर उसके दोस्त के साथ शहर चले जाता है। दोनों उनके पैसों के साथ शहर में एक दुकान खोलते हैं और नूडल्स बना के उन्हें बेचने लगते हैं। पहले दिन अच्छे पैसे कमाने के कारण वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें समझ आता है
कि उनका सारा कमाई उनके खर्चों में चले जा रहा है, उनके निवेश के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और इसके बाद उन दोनों को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो दुखी बैठते हैं। यहाँ पैसे अगर बचे भी तो दुकान की किराई, सामग्री और बाकी खर्चों में सारा पैसा खत्म हो जा रहा है। अब हमारे निवेश के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब अगर हमें गांव वापस जाकर दुकान लगाना भी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं बचे हमारे पास। हाँ विवेक, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा बात सुना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो यहाँ से गांव वापस चले जाते हैं। ऐसे निराश होकर वो दोनों वापस गांव की ओर निकलते हैं। घर पहुँचने के बाद विवेक उसकी बीवी से नहीं बात करता है, बस चुप रहता है। उसकी बीवी उसे दुखी देख कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? तब वो उसकी पत्नी को जो कुछ भी हुआ बताता है। अरे आप निराश मत बैठिए, हमेशा की तरह आप यहाँ नूडल्स बना के बेचिए। पर वो करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचे, निवेश के सारे पैसे तो शहर में ही खर्च हो गए और अब हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। ये कहते हुए दुखी होता है। आपको ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जी, आप हर रोज मुझे 100 रुपए देते थे ना, उन्हें मैं सालों तक बचाते आई हूँ। उन पैसों से आप और आपके दोस्त फिर से इस गांव में नूडल्स का दुकान लगा के काम कीजिए। ये कह के उन पैसों को लाकर उसके पति को देती है। उन पैसों से विवेक और उसका दोस्त गौतम गांव में फिर से नूडल्स का दुकान लगाकर हमेशा की तरह नूडल्स बना के बेचने लगते हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में एक भाग को भविष्य के खर्चों के लिए बचाते हैं और वो दोनों उनके बीवियों के साथ खुशी से जीते हैं। द्वारेश्वर नामक गांव में मस्तान नामक एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरे का मांस सिर्फ मस्तान के दुकान में मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान के ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन उस गांव के जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान को आता है। हे मस्तान, कल जमींदार के महल में एक बड़ी दावत रखी जा रहा है। उस दावत को बहुत बड़े लोग और अमीर लोग आने वाले हैं। 100 लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं। उसके लिए तुम्हें 15 किलो मांस ताजा काट के कल सुबह 6 बजे को महल लेके आना होगा। पैसे तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है, इसीलिए वो बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए, बात क्या है? जमींदार के घर में दावत के लिए मुझे 15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दिया कि सुबह 6 बजे उनको मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं अभी तुमसे बकरी खरीदने आया। हाँ, तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अब जमींदार के लिए है तो कम से कम 2000 होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से सो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैंने वचन दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता, मैं दे दूंगा 2000। ऐसे कहकर 2000 दे के बकरी खरीद के घर चलते हुए सोचता है। जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जमींदार के दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना, अभी जल्दी से काम शुरू करके सुबह तक पहुंचा देना होगा। ऐसे सोचकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े काट के सारी रात मेहनत करके 15 किलो मांस को तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार 6 बजे को जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? ये सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेंगे। मस्तान भी उस सेवक का बात मानकर बाहर इंतजार करता है। लेकिन
सेवक उसके हाथ में मांस को देख सोचता है, इस 15 किलो मांस से अगर मैं 1 किलो ले लूं तो किसको पता चलेगा? किसी को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे उस कवर में से 1 केजी मांस को छुपा के बाकी को देने जाता है। सलमान को देख के कहता है, साहब मस्तान ने यह आपको देने के लिए कहा है, वो पैसों के इंतजार में बाहर खड़ा है। सलमान सेवक के हाथ से मांस लेके सीधा रसोई घर जाता है, ये जान के कि मस्तान बाहर पैसों का इंतजार कर रहा है। बावर्ची के पास जाकर सलमान कहता है, सारे व्यंजन स्वादिष्ट होनी चाहिए, ध्यान से पकाना। ऐसे कहकर चला जाता है। बावर्ची पकाते हुए, है इतने मांस से अगर मैं 2 केजी ले लूं तो किसको शक होगा? किसी को भी नहीं होगा। ऐसे सोचकर मांस को छुपा के बाकी को पकाता है। दावत के व्यंजन की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चख के कुछ सेवकों की सहायता से उन सभी में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए ले लेता है। आए हुए मेहमान सारे दावत की खाना शुरू करते हैं और जल्द ही आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ये क्या, इतना अमीर और सम्मानित आदमी, अच्छा नाम है इनका, मगर खाने में कमी क्यों? हाँ, अगर खाना कम ही पड़ना है तो ऐसी दावत की तैयारी भला क्यों करें? ऐसे सारे लोग खुसफुसाते हैं। ये सब सुन के जमींदार सहन नहीं कर पाते हैं। दावत के खत्म होने के बाद क्रोधित होके सारे लोगों को सभा में बुलाते हैं, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनको सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, दावत की जिम्मेदारी सौंपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से ही कम पड़ गई थी प्रभु, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप बावर्ची से पूछिए प्रभु। ऐसे उसने अपनी किए को छुपा कर किसी और पे इल्जाम डाल देता है। तब बावर्ची छुपाए हुए 2 किलो मांस की बात को छुपा के कहता है कि दावत की सामग्री के लिए जिम्मेदार सलमान के पास इसका जवाब होगा। ऐसे उस बात से छुटकारा पाता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के दिए गए 6,000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने ही पास रख के, ये जानते हुए कि मस्तान पैसों का बाहर इंतजार कर रहा है, जमींदार से ये बात छुपाता है और कसाई मस्तान पे इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी है, अभी जाके मैं उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु, ऐसे कहता है। उसी सभा में मौजूद मस्तान उस इल्जाम का सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आके कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेले कसाई हूँ, पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ और इतने साल से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस दी है, मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत का नाम सुनते ही 1,000 की बकरी को 2,000 में बेचते हैं। सुबह आके मैंने मांस को पहुंचा दिया और आपके सेवक सलमान ने मुझे मांस के पैसों के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक और सेवक मेरे हाथ से मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया, और ये भी कहा कि वो सलमान को बुलाएगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिकर मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो अगर 6,000 रुपए मिलते हैं। खोजने पर सलमान के जेब में 6,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सब में से सलमान पकड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, किशन जिन सेवकों की सहायता से सभी व्यंजनों से थोड़ा अपने लिए ले लेता है, उनमें से एक सहायक जमींदार को सच कह देता है। बावर्ची का झूठ बैग में रखे मांस कोई सेवक को मिलने पर बाहर आ जाता है और पहला सेवक जिसने 1 किलो छुपा लिया, उसने डर के मारे अपनी गलती मान ली। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके पैसे 6,000 दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है?
गलती का सजा मिलेगी ही मिलेगी, इसीलिए ईमानदारी से जीना ही अच्छा है। एक लंबे समय पहले एक गांव में हेमंत और शारदा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका रितिका नामक एक सुंदर सी बेटी भी थी। हेमंत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी मांगती थी हेमंत उसे देता था। रितिका को पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद था। हेमंत खेती करते हुए आए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन जब रितिका पाठशाला से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक आदमी आम के पौधों को बेचते हुए नजर आता है। मेरे घर के पास बहुत सारा खाली जगह है, इन पौधों को लेके वहाँ उगा सकती हूँ। ऐसे सोचकर वो उस आदमी के पास जाती है। अंकल, आपके पास मौजूद सारे अलग अलग पौधों में से एक एक प्रकार मुझे दे दीजिए ना। इतने प्रकार के आम के पौधों के साथ तुम क्या करोगे बेटी? मेरे घर के पास खाली जगह है, वहाँ इन्हें उगाऊंगी। ठीक है बेटी। ऐसे वो उस आदमी के पास के सारे प्रकार का एक एक पौधा लेके जाती है। रितिका उन पौधों को लेके अपने घर के पास लगाती है। एक दिन हेमंत उस खाली प्रदेश में मौजूद आम के पौधों को देखता है। अरे, इस खाली स्थान में पौधे कहाँ से आए? अगर ये पौधे पेड़ बन गए तो उनके जड़ों के वजह से ये घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी मुझे इस स्थान में घर बनाना ही होगा। ये फैसला करके उन पौधों को निकालने ही जाता है, जब उसकी बेटी रितिका वहाँ आके देखती है। पापा, आप उन पौधों को क्या कर रहे हो? इस स्थान में एक बड़ा घर बनाना है ना बेटा। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें अभी निकाल दे रहा हूँ। पापा, आपको तो पता है ना कि मुझे पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अध्यापक भी कहती है कि पौधे उगाना अच्छी आदत है। और इतना ही नहीं, पौधों से हमें ताजा ऑक्सीजन भी मिलता है। मुझे इस खाली स्थान में पौधों को उगाना है, मेरे लिए इन्हें रहने दीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कैसे ना करूँगा, तुम्हारे लिए इन पौधों को नहीं निकालूंगा। ठीक है, ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तब से रितिका उन पौधों को ध्यान से पानी डाल के उनका ख्याल रखती है। कुछ सालों बाद वो पौधे बड़े आम के पेड़ बन जाते हैं और बहुत सारे आम देते हैं। ये देख रितिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, बहुत आम आए हैं और वो भी इतने प्रकार के, बाहर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। उसी साल में हेमंत की खेती में पानी ना रहने के कारण फसल नहीं आता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा, और इस सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिया हुआ कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रितिका उसके माँ बाप की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। मैंने जिन पौधों को उगाया है उनपे बहुत आम आए हैं, अगर उनको बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। मुझे ये बात पापा को बताना है। पापा, आप निराश मत होना, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एक योजना आया है। क्या कह रही हो बेटी? पापा, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, बोलो बेटी। पापा, क्या आपने देखा कि हमारे आम के पेड़ों पे कितने आम उगे हैं? पता नहीं बेटा, मैंने देखा ही नहीं। वैसे इस समय में आम के बारे में क्यों बात कर रही हो? एक बार सोचिए तो पापा, उन आम को अगर आप बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच है बेटी, मुझे तो उन पेड़ों के बारे में याद ही नहीं आया। बसंत का मौसम होने के कारण ये सोच के ज्यादा पैसे देंगे कि आम जल्दी आ गए, इससे हमारा कर्ज भी चुका सकता हूँ। ऐसे खुशी से कहता है। अगले दिन सुबह हेमंत उन पेड़ों के पास जाकर सारे आम को इकट्ठा करता है, एक बंडी पे लगा के बेचने लगता है। आम आम, मीठे आम, नारियल आम, बंगनपल्ली आम, चित्तूर के आम, नूजी बीड़ू के आम, नीलम के आम, ऐसे अलग अलग प्रकार के आम को मैं आपके घर के पास लाया हूँ, लीजिए लीजिए। बसंत के मौसम में इतने प्रकार के आम आने पर सभी
ये सुनकर आम खरीदने आते हैं। बाबू, एक डजन बंगन पल्ली के आम का क्या दाम है? डजन आम 120 के है जी। ठीक है, एक डजन दे दो। ऐसे उसके सोच के अनुसार ही जितना भी दाम हो लोग उससे खरीदते हैं। उसके पास के सारे आम बिक जाने पर वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर जाते ही आम बेचने से आए हुए पैसों की गिनती करता है। इस साल मेरे खेती में नुकसान आने के बावजूद मेरी बेटी की एक अच्छी आदत की वजह से आज मेरे पास पैसे हैं। रितिका, रितिका। जी पापा। क्या आपने उन आम को बेच दिया? सारे आम बिक गए बेटी, और आज अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। उस दिन मैंने हमारे घर के लिए उन पौधों को निकालना चाहता था, अगर रुक गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हमें इस कठिन परिस्थिति से तुम्हारे आम के पेड़ ही बचाए हैं। अब मैं बाकी के आम भी बेचूंगा। ऐसे वो सारे आम बेच के आम को बेच के आए हुए पैसों से एक नया आम का दुकान लगाता है। वहाँ आम बेचते हुए परिवार के साथ खुशी से रहता है।